हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ, जहां पर हम बात करते हैं बिग बॉस सीजन 12 के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गेम ने जो है एक और नया दिलचस्प मोड़ ले लिया है, जहां पे यहां पर जो है जोड़ियां वर्सेस सिंगल का गेम के साथ ये शुरू किया गया था खेल। अब यहां पर जो है जोड़ियां टूट चुकी हैं और सभी घर वाले अब इंडिविजुअली अपने अपने लिए खेलेंगे। और इसके साथ ही यहां पर अनूप जलोटा और शेषन, जो कि सीक्रेट रूम में इनको रखा गया था, उनके भी जो है मेन घर पर वापसी हो चुकी है। इसके साथ ही अब गेम जो है एक नए सिरे से शुरू हो चुका है। वहीं पे कई लोग हैं जिनको अब गेम समझ में आने लगा है, उनको नई चीजें काफी पता चल गई हैं, तो काफी पुरानी चीजें साफ भी हो गई हैं। एक दूसरे को समझने में ये जो इनको वक्त लगा है, अब शायद घर वाले एक दूसरे के गेम से कहीं या फिर उनकी आदतों से कहीं वाकिफ हो चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, उसके साथ ही जो पहला काम आता है एक बात नॉमिनेशन की होती है। नॉमिनेशन के बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था कि इस बार सेलेब्स में से और कॉमन पीपल्स में से किन किन को नॉमिनेट किया गया है। और उसके साथ ही अब जो है घर का अगला हफ्ता शुरू हो गया है। और उसके साथ ही लग्जरी बजट कार्य और यहां तक कि कैप्टनसी की दावेदारी के लिए अब जो है घोड़ा गाड़ी करके एक नया टास्क घर वालों को दिया गया है। टास्क काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं जो कि दीपक और दीपिका की हैं, बाकी घर वाले उस गाड़ी को चलाने वाले घोड़े हैं। और यहाँ पर जो है ये सारा खेल गाजरों का है। दोनों ही कंटेस्टेंट के पास, यानी कि दीपिका और दीपक को जो है हज़ार हज़ार गाजरें दी गई हैं। अब यहाँ पर घोड़ा बनने वाले जो बाकी के सदस्य हैं, वो जितनी बैलगाड़ी को चलाते हैं उतना उनका एज अ पेमेंट जो है उनको गाजर मिलती है। अब यहाँ पर जो इस टास्क को जीतता है दीपक या दीपिका में से, वो तो कैप्टनसी का दावेदार होगा ही। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस सदस्य के पास गाजर पाई जाएंगी, वो भी जो है अगला दावेदार इस टास्क का बन जाएगा। यहाँ पे खैर टास्क तो जितना क्लियर है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जैसे कि अब हर किसी की स्ट्रेटेजी होती है गेम को जीतने की, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी कुछ घंटे, कहीं आधे घंटे के हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से, दो घंटे के हिसाब से 50 से लेकर 100, 500, 200 तक की गाजरों की मांग कर रहा है। काफ़ी मज़ेदार है टास्क तो खैर, लेकिन इसके साथ ही जैसे कि स्ट्रेटेजी के साथ हर गेम खेला जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर सवा सोमी की बात कहें या फिर बात करें जसलीन की, वो कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं दीपिका की बैलगाड़ी में से गाजरे चुरा चुरा कर अपने पास रखने का। अब क्योंकि यहाँ पर गेम है, स्ट्रेटेजी के साथ खेला ही जाता है, दीपिका जितनी बार भी बाकी लोगों से बात करने में बिजी हो रही, उतनी बार ही उनकी गाजरें चोरी हो रही हैं। शायद उनको इस बात का भी अंदाज़ा पूरी तरह से नहीं है, लेकिन खैर अभी टास्क में थोड़ा वक्त है, हो सकता है कि गाजी पलट जाए या फिर कौन दावेदार होगा ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन खैर ये टास्क एक तरफ जहां काफ़ी मज़ेदार चल रहा है, उसके साथ ही श्रीसंत जो कि अब घर पे एक नए बिल्कुल एनर्जी के साथ वापस आए हैं, उनका कुछ अलग नया रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो दीपिका के साथ जो है उन्होंने अपनी कुछ बातें थी जो शेयर करी, श्रीसंत ने अपना गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाया कि हाँ आपने किस तरह से उनको डिसअपॉइंट किया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो तो एक हफ्ते तक पूरा दीपिका को इग्नोर करना चाहते थे, तो दीपिका को भी जो है उन्होंने अपनी अपॉलोजी यहाँ पर मांगने चाही, और साथ ही थोड़ा बहुत रोना धोना तो चलता ही है। खैर ये सब तो इनकी आपसी बातें हैं, अब आगे जाकर वो एक दूसरे को कितना समझते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन श्रीसंत एक बार फिर से अपने गुस्से में आकर, शायद अब आप देखेंगे कि अपने एपिसोड में कि वो घर से बाहर जाने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर न सिर्फ दीपिका, बाकी घर वाले भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि श्रीसंत वाकई में कैसे कोई कदम उठाने जा रहे हैं या फिर ये उनके गेम का ही कोई प्लान है। बाकी देखना होगा कि आखिर कैप्टनसी की दावेदारी में कौन फाइनल तक जाता है और दीपक दीपिका में से किसकी घोड़ा गाड़ी सबसे आगे जाती है। तो ये सारी अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीक करेगा इंडिया।